Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 Geography chapter 10 Life in Deserts. So let's start. What are we going to learn today? First of all, there will be introduction of the chapter and then hot desert Sahara and the cold desert Ladakh. And then some extra notes will be given for you as school notes. So topics are going to start. First of all, the introduction of the chapter. Deserts are categorized by low rainfall. तो जो deserts होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो उनके बारिश होने के हिसाब से, मतलब उनका जो गुड़ होता है, वो बारिश ना होना होता है, मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होता है. Scanty vegetation and extreme temperatures. तो यहाँ पे जो vegetation होता है, वो नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधे जो भी चीज़ें होती हैं हरियाली नहीं होती. और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत हाई होता है. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करके देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स. तो डेजर्ट सॉरी टेम्परेचर्स के हिसाब से दो तरीके के डेजर्ट्स होते हैं, एक कोल्ड और हॉट. सॉरी हॉट. तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पे बर्फ गिरा होता है. बर्फ में भी देखते हैं आपकी वहाँ पे हरियाली वगैरह नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ गिरता है तो वो होता है कोल्ड डेजर्ट. और हॉट डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे बर्फ नहीं गिरता, बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं. तो यही होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में. द हॉट डेजर्ट सहारा. तो जो सहारा जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को. द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. तो जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वर्ल्ड में और गर्म भी. इट टचेस 11 कंट्रीज एंड हैज़ गॉट ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विथ बेयर रॉकी सरफेस. तो ये जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज को टच करता है, मतलब 11 कंट्रीज के अंडर में आता है ये. और ये जो है इसमें अच्छा खासा एक प्लेन लैंड होता है, मतलब पूरा प्लेन होता है. और जो इसका मतलब लैंड का जो मतलब यहाँ पे जो जो प्लेट्यूज होते हैं ज़मीन से थोड़े उठे हुए, उसका हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, मतलब प्लेट्यूज जो होते हैं उनका यही मतलब गुड़ होता है कि वो ज़मीन से थोड़े उठे हुए होते हैं लेकिन प्लेन होते हैं. तो यही होता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये ज़मीन से थोड़ा उठा होता है और 11 कंट्रीज़ को टच किए हुए रहता है विथ बेयर रॉकी सरफेस. तो इसका जो सरफेस होता है वो पथरीला होता है, रॉकी होता है. द क्लाइमेट ऑफ सहारा इज स्क्रॉचिंग हॉट. तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, मतलब कि मौसम, वो बहुत ही गर्म होता है एंड पैच ड्राई विथ टेम्परेचर एज हाई एज 15 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है. समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा गर्म होता होगा यहाँ का टेम्परेचर. दी नाइट्स एंड फ्रीजिंग आर फ्रीजिंग कोल्ड विथ दी टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्रीज. तो जो रात के समय में जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो जमा देने वाला होता है, फ्रीज कर देने वाला होता है, वो होता है 0 से नीचे, मतलब 0 के आसपास या फिर 0 के नीचे हो जाता है कभी कभी. वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट. तो जो सहारा डेजर्ट में जो भी पेड़ पौधे हैं वो मतलब वैसे तो नहीं है, लेकिन एक दो जो होते हैं, एक दो पेड़ पौधे, वो कैसे होते हैं वहाँ के एनिमल्स कैसे होते हैं तो वो अब देखिए. वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस. तो वहाँ का जो सहारा डेजर्ट का जो वेजिटेशन होता है उसमें कैक्टस होता है और डेट प्लांट्स, मतलब कि खजूर के जो पेड़ होते हैं वो होता है, एककिया होता है, कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस मतलब कि बिच्छू, स्नेक्स मतलब सांप, एंड लिजार्ड्स छिपकली वगैरह, जो मतलब दूसरे प्रकार की छिपकली जो घरों में होते हैं वो छिपकलियाँ नहीं, दूसरी छिपकलियाँ, आर दी मेन एनिमल स्पेसिस फाउंड एयर. तो यहाँ तो जो मैंने अभी प्रजातियाँ बताई, मतलब वो सारी प्रजातियाँ और जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ बताई वही सारे सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं. डिस्पाइट इट्स हैरासमेंट क्लाइमेट सॉरी हार्श क्लाइमेट, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हार्श होता है, लेकिन उसके बावजूद सहारा इज इनहैबिटेड बाई वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो जो सहारा है उस पर बहुत मतलब लोग रहते, बहुत नहीं मतलब कुछ लोग रहते हैं. द मेन ग्रुप्स ऑफ बेडोन्स एंड
टोरेक्स। तो यहाँ पे जो मेनली ग्रुप होता है वो होता है बेडियोन्स का और टुअरक्स का होता है, टुअरक्स का। और दी ओजिस ओसिस इज़ दी सहारा, तो जो ओजिस होते हैं सहारा में, एंड दी नाइल वैली, और जो नाइल वैली है इजिप्ट में, सपोर्ट्स दी सेटलमेंट सेटल पॉपुलेशन, उससे जो पॉपुलेशन होता है वो सेटल रहता है, मतलब इन दोनों ग्रुप्स का जो पॉपुलेशन रहता है वो मेंटेन रहता है। दी डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग दिस रीजन, तो जो यहाँ पे तेल मिलता है उससे ये जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब बदल रहा है। अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड हेयर आर आयरन, फॉस्फेरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं जो होते हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया। मोर एंड मोर नोमैडिक ट्राइब्स आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, तो ज़्यादा मतलब धीरे धीरे जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स को हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले, अपने अपने कैटल के साथ, अपने झुंड के साथ, मतलब उनका जो पीपल होते हैं, मतलब उनको उनके बारे में नहीं बोला जा रहा है कि उनके झुंड के साथ या उनके साथ एनिमल्स होते हैं उनको बोला जा रहा है कि उन झुंड के साथ वो घूमते हैं। तो ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो अब आज के दिनों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस सिटीज़ में, इसकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर अब सेटल होना चालू कर दे रहे हैं। दी कोल्ड डेजर्ट, तो जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख वो क्या है तो उसके बारे में पढ़ना है, वहाँ की जो वहाँ का जो क्लाइमेट वेजिटेशन वगैरह है उसके बारे में पढ़ना है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन दी ग्रेट हिमालयाज, तो जो लद्दाख है वो ठंडा रेगिस्तान है जो ग्रेट हिमालयाज में पाया जाता है। ऑन दी ईस्टर्न साइड, उसके ईस्टर्न साइड में, सॉरी वो जो ये लद्दाख है वो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। दी एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। तो इसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है लद्दाख की, वो वेरी करती है, मतलब वो लाई करता है कह सकते हैं 3000 मीटर से 3000 मीटर, और जो कारगिल में है उसका हाइट है 8000 मीटर, मतलब कारगिल वाले का हाइट है 3000, और जो काराकोरम में जो ये लद्दाख का जो एरिया है वो उसका हाइट है 8000 मीटर। तो कितना ऊंचा है आप सोच ही सकते हैं। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, तो जो एरिया है वो एक्सपीरियंस करता है बहुत ही तेज़ हवाएं, और जो हवाएं होती हैं वो जमा देने वाली होती हैं, और जो सनलाइट होता है वो बर्निंग होता है वो भी गर्म होता है। ड्यू टू हाई एरिडिटी के कारण दी वेजिटेशन इज स्पार्स, तो जो वेजिटेशन है यानी कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो कम हैं, मतलब कम क्या बहुत ही कम है, और जो वहाँ पे एनिमल्स हैं वो भी कम हैं। ग्रुप्स ऑफ विलोज, तो जो विलोज के ग्रुप्स हैं ग्रुप एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, तो वैलीज में इन सबको देखा जाता है। The animals of Ladakh are wild goats, तो जो animals पाए जाते हैं लद्दाख में वो हैं wild goats, जंगली बकरी, जंगली भेड़ और याक वगैरह। And special kinds of dogs, एक special प्रकार होता है, एक विशेष प्रकार होता है dogs का, वो भी पाया जाता है यहाँ पे। अब आगे है कि the animals are reared as they provide milk, meat and हाइट्स, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके मतलब बाल वगैरह, जैसे भेड़ है तो उनका बाल वगैरह उतार लिया जाएगा और बेच के उससे अपना जीवन यापन किया जाएगा, और यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो मिल्क वगैरह भी देते हैं जिससे इनका जीवन यापन होते रहता है। दी पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ देयर आइदर मुस्लिम ऑफ और बुद्धिस्ट, तो यहाँ पे मुस्लिम भी पाए जाते हैं और बुद्धिस्ट भी पाए जाते हैं। सम फेमस बुद्धिस्ट मोनारिटीज आर हेमीज, टिक्सी, से एंड लमा यूरू, तो कुछ फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो थे जिनका मैंने नाम लिया था। इन दी समर सीजन में दी पीपल आर बिजी कल्टीवेटिंग बार्ली, मतलब कि समर के टाइम पे लोग मकई वगैरह उगाते हैं, बाजरा वगैरह और पोटैटोज, पीज, बीन्स, टर्निप्स, ये सारे चीज़ें उगाते हैं।
टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट, तो यहाँ पे टूरिज्म भी होता है, मतलब लोग घूमने भी आते हैं टूरिस्ट, एंड विथ सेवरल टूरिस्ट मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों से टूरिस्ट आते हैं, स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अबाउट, मतलब कि इंडिया से भी इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर दी सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर, तो जो लद्दाख के लोग हैं उन लोगों को मतलब वो लोग बचपन से सीखे हैं कि नेचर के साथ कैसे रहना है, मतलब कि नेचर को अच्छे से ट्रीट करना है, मतलब नेचर को हार्म नहीं करना है और बैलेंसिंग मतलब तरीके से रहना है। पश्मीना वूल, इसको हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जो पश्मीना वूल है उससे क्या होता है लद्दाख में। पश्मीना वूल ऑफ दिस रीजन इज़ फेमस, तो यहाँ का जो पश्मीना वूल है वो बहुत फेमस होता है। लेह एंड कारगिल आर द मेन टाउन्स इन लद्दाख, तो जो लेह और जो कारगिल है वो यहाँ के मेन टाउन्स हैं। द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मतलब दुनिया भर में जितने डेजर्ट्स हैं मतलब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें और कुछ एडिशनल जानकारी होगी उसी को हम फिर से रिवाइज करेंगे। The desert areas of the world are categorized by low rainfall. तो जो deserts हैं मतलब दुनिया भर में उनको उनके कम बारिश होने के कारण उन जगहों पे उनको जाना जाता है। Scanty vegetation and extreme temperatures, तो यहाँ पे जो vegetation होता है वो नहीं होता है, मतलब कम होता है, और यहाँ का जो temperature होता है वो भी ज़्यादा होता है। Depending on the temperatures के हिसाब से इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक hot desert एक cold desert। तो सहारा इज़ अ hot desert covering a large part of north Africa, तो जो सहारा है सहारा डेजर्ट वो एक गर्म डेजर्ट है जो कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका के बड़े से हिस्से को। एंड लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन दी ग्रेट हिमालयस, तो जो लद्दाख है वो ग्रेट हिमालयस में लाई करता है और ये कोल्ड डेजर्ट है। ऑन दी ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, और ये इंडिया में लाई करता है लद्दाख, और ये जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। सहारा इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, तो जो सहारा डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। द सहारा डेजर्ट टच इलेवन कंट्रीज, तो जो सहारा डेजर्ट है वो 11 देशों को कवर टच करता है, जो हैं अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो जो जो जगहों के नाम मैंने अभी बताए, मतलब जो जो देशों के नाम बताए, वो सारी 11 देशों को ये टच करता है सहारा डेजर्ट। दी सहारा डेजर्ट इज़ दी वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड, तो जो सहारा डेजर्ट है वो बहुत दूर तक, मतलब सहारा डेजर्ट में जाने के बाद हम देखेंगे कि दूर दूर तक इसमें कुछ नहीं है रेत के अलावा। तो अब आगे पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स, यहाँ पे जो ज़मीन है वो प्लेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, एंड एलिवेटेड प्लेंटेंस विथ अ बेयर रॉकी सरफेस, और यहाँ पे जो ये प्लेन्स होते हैं वो एलिवेटेड प्लेंटेंस भी पाए जाते हैं जिनका जो सरफेस होता है वो रॉकी होता है, पथरीला होता है। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज़ स्क्रॉचिंग एंड पच ड्राई, तो जो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और मतलब कोई भी कह सकते हैं कि जल सकता है एक तरह से, मतलब क्योंकि 50 डिग्री के अबव होता है यहाँ का टेम्परेचर, तो कोई भी जाहिर सी बात है कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट नाइट्स में भी फ्रीजिंग कॉल्ड, तो जो नाइट्स होते हैं सहारा डेजर्ट्स के वो जमा देने वाले होते हैं, जम जाएंगे, उतने ज़्यादा ठंडी होती है रात के टाइम पे। वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट, तो जो सहारा डेजर्ट में वेजिटेशन है इज़ कंप्राइज्ड ऑफ कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकेकिया, तो कुछ वेजिटेशन है, कुछ प्रेजेंट है, ये नहीं कि पूरा तरह से वेजिटेशन यहाँ पे विलुप्त हो चुका है, यहाँ पे भी कुछ कुछ वेजिटेशन है पर उतना नहीं जितना ग्रासलैंड्स में है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो उनका नाम है कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकेकिया। डेट पाम्स आर फाउंड नियर
एन ओएसिस, तो जो ओएसिस होते हैं उनके नियर में डेड पाम्स को पाया जा सकता है। सो फार एनिमल्स आर कनेक्टेड कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, सेवरल वेरिएटीज ऑफ स्नैक्स एंड लिजर्ट्स आर फाउंड इन दिस डेजर्ट। तो इस डेजर्ट्स में बहुत तरीके के जानवर, मतलब उतने नहीं जितने फॉरेस्ट वगैरह में होते हैं, उतने नहीं मतलब फिर भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति जानवरों के, जैसे फॉक्सेस के, स्कॉर्पियंस के प्रजाति, हाइनास, जैकल्स, कैमल्स, ये सारे पाए जाते हैं। स्नैक्स की भी बहुत सारी वेराइटी पाई जाती है, जहरीले बहुत होते हैं डेजर्ट्स के और बहुत स्पीड में भी मूव करते हैं जो स्नैक्स होते हैं डेजर्ट्स के। और लिजार्ड्स भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, सारे मतलब लगभग सारे बहुत डेंजरस होते हैं। वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज बेडुइनियंस, तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से लोगों से खाली है ये प्रदेश, कह सकते हैं प्रदेश ही नहीं कहा, हाँ प्रदेश ही कहेंगे। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके ग्रुप्स का नाम है, एक तो होते हैं बेडुइंस और दूसरे होते हैं तुआरेग्स, लिव इन सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट्स में रहते हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब, ये जो ग्रुप्स हैं वो नोमैडिक ट्राइब हैं। दे रियर गोट्स, सीप्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस, तो ये लोग भी लद्दाख वाले जैसे ही, मतलब लद्दाख के लोगों के जैसे ही मतलब रियरिंग करते हैं भेड़ वगैरह के बालों का और हॉर्सेस का भी और कैमल्स का भी। दे गेट मिल्क एंड हाइड्स फ्रॉम दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स से इनको दूध वगैरह मिलता है जिससे ये अपना जीवन यापन करते हैं, और जो इनको वूल मिलता है एनिमल्स से उसको बेच के या फिर अपने लिए यूज़ करके ये अपने से मतलब अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। दिस नोमैडिक ट्राइब्स वियर हैवी रूप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट वाइंड्स, ये बहुत मोटे मोटे और भारी भरकम कपड़े पहनते हैं जिससे कि जो हवाएं हैं वो इनको उतना नहीं लगे, मतलब ज़्यादा हार्म ना करे। और डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं मतलब धूल वाले जो आंधी जैसा तूफान होता है, आंधी तूफान, उनसे भी बच जाए। पीपल गेट वाटर फ्रॉम दी ओएसिस इन दी सहारा डेजर्ट एंड नाइल वैली इन इजिप्ट, तो इनको जो पानी मिलता है वो मिलता है दो जगहों से, एक तो नाइल वैली इजिप्ट में है जो वहाँ से, और एक दूसरा ओएसिस में से। दे ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, वेट, बर्ली एंड बीन्स, तो ये लोग कुछ क्रॉप्स भी उगाते हैं जो जिनका नाम मैंने अभी बताया। दी सहारा डेजर्ट इज अंडर गोइंग फास्ट चेंज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अल्जीरिया, तो अल्जीरिया में जो ऑयल मिला है, ऑयल का जो डिस्कवरी हुआ है उससे इसमें बहुत ही फास्ट चेंजेस आ रहे हैं सहारा डेजर्ट में। सॉरी, तीन जगहों पे पाए गए हैं तेल, अल्जीरिया में और लीबिया में और इजिप्ट में, तीन जगहों पे पाए गए हैं तेल, जिससे कि ये जो सहारा डेजर्ट है वो एकदम स्पीड में ग्रो कर रहा है, चेंज हो रहा है। Other minerals found here are iron, phosphorus, magnesium, uranium. तो यहाँ पे कुछ और भी minerals पाए जाते हैं जिनका मैंने नाम बताया। Trucks are now used in salt trade. तो जो trucks हैं उनका use होने लगा है अब salt trade में, मतलब नमक की व्यापार में, नमक का व्यापार में use होने लगा है trucks का। दी ड्रग्स का नहीं, ट्रक्स का, मतलब ट्रक होता है वो सब का। दी नोमैडिक हर्ट्समैन विथ अ चेंज ऑफ टाइम, तो जो नोमैडिक हर्ट्समैन है, मतलब कि हर्ट्समैन कौन होते हैं, तो झुंड वगैरह को लेकर इधर से उधर मूव करने वाले, वो नोमैडिक हर्ट्समैन हो गए। विथ अ चेंज ऑफ टाइम, वो समय के अनुसार चेंज होते जा रहे हैं और यहाँ से वहाँ, एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनको अच्छे से जॉब वगैरह मिल जाए जिससे वो अपना ज़िंदगी बिता सकें, व्यतीत कर सकें। इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, ऑयल और गैस ऑपरेशंस में उनको अच्छा एक जॉब मिल जाए जिससे वो अपना ज़िंदगी बिता सकें, तो उसके लिए वो इधर से उधर माइग्रेट करते रह रहे हैं। लद्दाख, अब लद्दाख के बारे में है, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, तो जो लद्दाख है वो ठंडा डेजर्ट है। और दी काराकोरम रेंज इन दी नॉर्थ, जो काराकोरम रेंज है नॉर्थ में लद्दाख के, एंड दी जंस्कार माउंटेंस, तो जो जंस्कार माउंटेन है साउथ में, इनक्लोज इट, तो मतलब इन दोनों से ये घिरा हुआ है,
सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख. लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ मूव कर फ्लो करती हैं. सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड यार, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स रिवर ऑफ आइस होते हैं, मतलब कि बर्फ़ की नदियाँ. फॉर एग्जाम्पल गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है. द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. तो जो लद्दाख का जो टेम्परेचर क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है और मतलब ड्राई होता है, सूखा होता है, ह्यूमिड नहीं होता. दी डे टेम्परेचर इन समर, तो समर में जो टेम्परेचर होता है दिनों का, आर जस्ट अबव 0 डिग्री. तो 0 डिग्री के अबव मतलब कि ऊपर होता है. एंड दी नाइट टेम्परेचर्स आर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे जो जो नाइट में टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री से भी नीचे होता है. समझ सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा ठंडा होता होगा. और गर्मी मतलब गर्मियों के टाइम में दिन में होता है आपका टेम्परेचर 0 से हल्का सा ऊपर, ज़्यादा नहीं. दिस डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है. देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ बूंद, सन स्ट्रॉक एंड फ्रॉस्ट बाइट. तो यहाँ पे चांस रहता है सन स्ट्रोक का और फ्रॉस्ट फाइट बाइट का, मतलब उससे बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों का जो यहाँ पे रह रहे हैं. लद्दाख हैज़ पुअर वेजिटेशन, लद्दाख का जो वेजिटेशन है वो भी पुअर है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम हैं. देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रास, यहाँ पे ग्रासेस बहुत कम ही दिखते हैं. ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपलर्स आर सीन इन दी वैलीज. तो यहाँ पे जो वुलो सॉरी विलोज के जो ग्रुप्स हैं और जो पॉपलर्स के ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं वैलीज में, मतलब नदियों के पास. सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स सच एज रोबिन्स, रेड स्टार्स, टैबिटन स्नोकॉक, रवेन एंड हुपू आर फाउंड. तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के जिनका मैंने नाम लिया. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स. तो यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरियाँ, जंगली भेड़ और याक, मतलब कि सबको पता है सांड जो होते हैं, बुल जंगली होते हैं, वो भी पाए जाते हैं. और सबके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वूल होता है, ऊन होता है, जिसको रियर करके ये लोग अपने लिए जो भी चीज़ें होती है वो बनाते हैं और जो बच जाता है उसको बेच के पैसा लेके मतलब पैसे से जीवन यापन करते हैं अपना. और यहाँ पे स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स भी पाए जाते हैं. एक अच्छा मतलब और सा नहीं विशेष प्रजाति पाया जाता है डॉग्स का इन जगहों पे, मतलब इन जगहों पे लद्दाख के एरियाज में. पीपल लिविंग इन दिस डेजर्ट आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम भी होते हैं और बुद्धिस्ट भी होते हैं, बुद्ध भगवान के मतलब बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स भी होते हैं. फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आर हेमीज, थिक्सी, सी से लामा यूरू. तो यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं जो जिनका नाम लिया मैंने अभी, चार है, हाँ चार हैं. तो ये फेमस है बहुत ज़्यादा. पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप्स ड्यूरिंग दिस समर सीजन. तो समर सीजन पे लोग कुछ क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे बार्ले बजरा हो गया, पोटैटोज आलू वगैरह, बीन्स मतलब मटर वगैरह, और टर्निप्स उगाए जाते हैं यहाँ पे समर सीजन में. ड्यूरिंग दी विंटर मंथ, विंटर के टाइम पे दे आर इंगेज्ड इन फेस्टिवल्स, सॉरी फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज़. तो विंटर के टाइम पे यहाँ पे फेस्टिविटीज़ होते हैं या फिर सेरेमनीज़ में लोग इंगेज रहते हैं, लोग व्यस्त रहते हैं कह सकते हैं. दी वुमेन ऑफ लद्दाख आर हार्ड वर्किंग. तो जो लद्दाख की वुमेंस होती हैं, वैसे तो हर जगह की वुमेंस हार्ड वर्किंग होती हैं लेकिन लद्दाख की ज़्यादा होती हैं. दे कैन मैनेज इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ स्किलफुली. वो घर के अंदर के काम या फिर घर के बाहर के काम अच्छे से स्किलफुली एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, मतलब कर लेती हैं. लेह इज़ दी कैपिटल ऑफ लद्दाख. तो लद्दाख का जो कैपिटल है वो लेह है. लद्दाख इज़ अ फेमस टूरिस्ट प्लेस. तो जो लद्दाख है वो एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अबाउट लाइक टू विजिट गोमपैस. तो यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं विजिट करने के लिए, गोमपैस को विजिट करने के लिए टूरिस्ट आते हैं इंडिया से, मतलब हमारे इंडिया से या फिर अलग अलग देशों से.
लद्दाख इज बीइंग मॉडर्नाइज्ड फास्ट, तो जो लद्दाख है वो भी मॉडर्नाइज्ड हो रहा है, मतलब उसमें भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बहुत स्पीड में, बट पीपल आर वेरी कॉन्शियस हेयर, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं, दे नो दी वीज टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर, तो यहाँ के जो लोग हैं वो नेचर के साथ अच्छे से रहना पसंद करते हैं, मतलब कि नेचर को ज़्यादा हार्म करना पसंद नहीं करते, जैसे हम लोग कार वगैरह यूज़ करके नेचर को हार्म करते हैं, वैसे ये लोग, इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने स्कूल में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप स्कूल में लिख लीजिएगा और याद कर सकते हैं आप इन सब को। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कुछ देर रुका हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए अब। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म होता है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड लास्ट।